Hello, let's read the question. And the question says that a point mass of 1 kg collides elastically with a stationary point mass of 5 kg. After their collision, the 1 kg mass reverses its direction and moves with a speed of 2 meter per second. Which of the following statements are, is or are correct? फॉर द सिस्टम ऑफ दीज टू मासेस में बोल रहा है कि एक पॉइंट मास है, जिसका वन के जी है वो जाकर के कोलाइड करता है मास से। और ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक है उसके बाद बोल रहा है कि कि जब कोलिजन हो जाता है तो वन के जी मास जो है अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है और उसका स्पीड जो है वो दो मीटर पर सेकेंड है तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ये चारों ऑप्शन को हमको चेक करना है तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा की कॉन्सेप्ट वो है मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम कॉन्जर्वेशन दूसरा जो की कंसेप्ट लगेगा इसमें क्या है कि ये कोलिजन जो है इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है ऑलवेज कंजर्व रहता है यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम is always conserved in elastic collision elastic collision hmm. ये हो गया तो यहां पर जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि एक एक के जी का पॉइंट मास है इसका स्पीड गिवन नहीं है तो मान लेते इनिशियल स्पीड जो है भी है दूसरा जो है वो फाइव के जी का पॉइंट मास है और ये स्टेशनरी है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब कोलिजन हो जाता है तो ये एक के जी का मास जो है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और कितना हो जाता है स्पीड दो मीटर पर सेकेंड और दूसरा जो फाइव के का मास है उसका वेलोसिटी गिवन नहीं है तो उसको हम वन मान लेते हैं तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो इनिशियल में मोमेंटम कितना था जो पॉइंट मास था पहला उसका मास था वन के जी और इनिशियल गिवन नहीं था तो हम भी माने थे तो इनिशियल मोमेंटम हो गया वन इंटू भीजी मास जो है उसका वेलोसिटी जीरो था तो फाइव इंटू जीरो फाइनल मोमेंटम अगर देखें तो फाइव के जी मास का वेलोसिटी को अज्यूम किए हैं भीवन कोलिजन के बाद तो फाइव इंटू भी वन इसका मोमेंटम और जो वन के जी मास जो है वो अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो उसका मोमेंटम अब नेगेटिव हो जाएगा यानी कि वन उसका वेलोसिटी था टू तो वन इंटू टू तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा भी वन इंटू भी तो भी हो गया फाइव इंटू जीरो जीरो भी इज इक्वल टू फाइव भी वन माइनस टू ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन अब सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगा तो सेकेंड इक्वेशन आएगा कोफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से वो है इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन के केस में ई e का जो वैल्यू होता है जो कोफिशियंट रिस्टिट्यूशन होता है वो क्या डिफाइन करते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी ई इक्वल टू क्या होता है ऑफ सेपरेशन उाइल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो ई का वैल्यू जो है वो होता है वन इलास्टिक कोलिजन के केस में तो ई का वैल्यू वन लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा जब 5 केजी मास जो है 1 केजी मास से जब कोलाइड कर गया तो उसका कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी था भी v1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और जो 1 केजी मास था उसका वेलोसिटी था 2 मीटर सेकंड जो 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो जब दो बॉडीज का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट से हम लोग जानते हैं कि दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो एक दोनों को एड करके निकलता है यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो जाएगा सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हो जाएगा भी वन प्लस हो, हो जाएगा टू नीचे में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो एक के जी मास जो है उसका वेलोसिटी को भी माने थे जब कोलिजन नहीं हुआ था और फाइव के जी मास जो है वो स्टेशनरी था है तो यानी कि हम जो है ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा वन के जी मास जो है फाइव के जी मास की तरफ से कितने वेलोसिटी से बढ़ रहा है सेकेंड तो इक्वेशन तो अब ये वेलोसिटी जो है भी का वैल्यू भी वन प्लस टू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था बी फाइव वन माइनस टू तो भी का वैल्यू यहां पर भी वन प्लस टू पुट कर देते हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा वन वन प्लस टू टू फाइव तो अब ये टू को कोधर लेते आते हैं तो टू प्लस टू हो जाएगा फोर और इधर हो जाएगा फाइव भी वन ये भी वन को उधर ले तो माइनस हो जाएगा फाइव भी वन यानी फाइव वी वन माइनस वी वन क्या फोर वी वन इक्वल टू फोर यानी वी वन इक्वल टू वन मीटर पर सेकंड यानी 5 B1 B1 के 4 B1. 4 B1 4, 5 मास जो है उसका वेलोसिटी निकल गया 1 मीटर पर सेकंड अब ये वी का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर जो है ना जो वी का वैल्यू क्या निकल जाएगा uh, 1 प्लस टू तो यानी वी इक्वल टू हो जाएगा थ्री मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें क्या बोल रहा था फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा था टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम थ्री के जी मीटर पर सेकेंड है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर निकालें थ्री uh, तो, के जी मीटर पर सेकेंड है ना तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर था तो अगर इनिशियल मोमेंटम निकाल दे तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा तो ऑप्शन ए को हम चेक कर रहे हैं वो है टोटल मोमेंटम ना टोटल मोमेंटम वो कितना हो जाएगा इनिशियल में जो वन के जी मास था उसका वेलोसिटी को निकाले अभी थ्री मीटर पर सेकेंड तो उसका मास था वन जो वन के जी तो वन इंटू थ्री टोटल मोमेंटम हो गया यानी थ्री के जी मीटर पर सेकेंड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो गया अब सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है मोमेंटम ऑफ फाइव के जी कोलिजन इज फोर के जी सॉरी मीटर पर सेकेंड बोल रहा है तो इसको भी चेक करते हैं बी पार्ट तो फाइव के जी मास का जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन कितना होगा फाइव हो गया था मास उसका वेलोसिटी उसका निकाले थे कितना भी वन के, के बराबर ना तो भी वन का वैल्यू वन मीटर पर सेकेंड तो वन यानी फाइव के जी मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है ये फोर के जी मीटर पर सेकेंड है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया अब सी पार्ट चेक करते हैं सी पार्ट में बोल रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0.75 पॉइंट सेवन फाइव है तो चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज टू हो जाए क्या हाफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी मास ऑफ द सिस्टम कैम से इंटू भी सी एम का स्क्वायर यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो सिस्टम का मास तो पता है हमको वन और फाइव वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं पता तो उसको निकालना पड़ेगा उसको निकालते हैं तो भी सी एम इज टू हो जाएगा वन इंटू भी प्लस फाइव इंटू जीरो होल डिवाइडेड बाई वन प्लस फाइव है ना एम जो भी -सी क्या होता है एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू होल डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू तो ये जो हम फॉर्मूला लगाए हैं ये कोलिजन से से पहले काफ मास है. तो यहां पर हो जाएगा वन इंटू भी फाइव इंटू जीरो बाई वन प्लस फाइव है ना यानी कितना हो जाएगा भी का वैल्यू जो है कितना निकालते हैं का वैल्यू निकाले थे थ्री मीटर पर सेकेंड फाइव प्लस वन नीचे में सिक्स हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा थ्री बाई सिक्स यानी जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड ये निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हाफ मास ऑफ सिस्टम सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो टू थ्री जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा यानी जीरो पॉइंट सेवन फाइव जू यानी ऑप्शन मेरा सही हो गया अब लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है लास्ट ऑप्शन बोल रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज फोर जूल तो काइनेटिक एनर्जी तो मेरा जो है वो कंजर्व्ड है क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर निकाल देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा ऑटोमेटिकली तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एक केजी मास था उसका वेलोसिटी भी माने थे और बी का वैल्यू थ्री मीटर पर सेकंड आया था ना तो थ्री का स्क्वायर और पांच के मास जो था वो रेस्ट में था उसका तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो प्लस जीरो यानी हाफ इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन यानी नाइन बाई टू फोर पॉइंट फाइव जू तो ये मेरा करेक्ट आंसर है फोर पॉइंट फाइव जूल यानी जो लास्ट ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन कौन सा है ए और सी होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक